तू बीच में नड़ा कर। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। किसी पार्टी को तीसरी बार, पहली बार जब से हरियाणा बना है, बहुमत देने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता का कोटि कोटि नमन करता हूं और यही कहूंगा कि जिस विश्वास और उम्मीदों से उन्होंने नायब सैनी सरकार को तीसरी बार समर्थन दिया है, उस पर खरा उतरने का काम। कुछ खास बातचीत हुई? नहीं नहीं खास, ये तो औपचारिक मीटिंग है, चलती रही, ठीक है। आज मैं दिल्ली बुला गया सर। नहीं नहीं, भारत माता। माता की जय। बीजेपी की सरकार बनने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पूरे मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार आई है हमारी, और मंत्री हमारे विपुल गोयल जी आए थे अभी, उनका स्वागत हुआ है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। महिपाल डांडा जी भी कैबिनेट के मंत्री बने हैं, पानीपत से हमारे दो दो मंत्री बने हैं, श्री कृष्णलाल पवार जी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। हमारे पानीपत का सौभाग्य है कि हमारे को दो मंत्री मिले हैं, होनहार और प्रगतिशील पानीपत बनाएंगे हमारा। विपुल गोयल जी को भी एक मौका मिला प्रदेश में, क्या लगता है कि भाजपा की सरकार संतुलन बनाकर? बिल्कुल बनाएगी जी, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के काम होंगे जी, सभी 36 बिरादरी के काम होंगे जी, सबके सहयोग से सरकार बनी है जी, और अच्छे काम होंगे। मंत्रिमंडल में सुरेंद्र भारसी जी, मंत्रिमंडल में जिन्हें भी जगह मिली है वो नए भी चेहरे हैं, कुछ कुछ पुराने चेहरे हैं, तो ऐसे में प्रदेश को किस जगह आप देखते हैं कि ये? प्रदेश को तो एक नंबर पे ही जाएगा, इसमें कहने की बात ही नहीं है, कोई छच्छा छुपाया नहीं, ये तो दिख रहा सबको, दिख रहा, तो इसीलिए बहुमत से सरकार आई है।